हमारा जो रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट का शोबा जच्चा बचाओ गायनी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर हामला ख़वातीन के लिए या गायनी से मुतलिक जितने मसाइल होते हैं जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया या मिसकैरेज हो गया या कोई भी और इमरजेंसी हो गया, एक बेहतरीन टीम के साथ 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम में जो है वो MCPS, FCPS के रेजिडेंट्स, रजिस्ट्रार्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और 3 प्रोफेसर शामिल हैं। इसके अलावा हम OPD सर्विसेज, कॉन्ट्रसेप्शन या के सर्विसेज या फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ मैं इंचार्ज भी हूँ, हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसे हम सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कहते हैं। ये KPK का वाहद IVF सेंटर है जो बे औलाद जोड़ों के लिए एक उम्मीद है और हम बहुत सक्सेसफुली इस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं। CRM का मतलब है सेंटर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। यहाँ पर बेसिकली बे औलाद जोड़ों के लिए ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये हम यहाँ पे हमने 2014 से शुरू किया हुआ है। यहाँ पे हम ओविलेशन इंडक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा IUI करते हैं, IVF करते हैं, ICSI करते हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बे औलाद जोड़ों के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उसमें शुरू में तो हम कुछ दवाइयों वगैरह से कोशिश करते हैं कि औलाद हो जाए। उसके बाद फिर कुछ स्पेशलाइज्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं जिसको हम आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जैसे कि हम फर्टिलाइज करते हैं एग और स्पर्म को, उससे एक एम्ब्रियो बनता है जो कि बाहर लैब में बनता है, उसके बाद वो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो आम जुबान में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF प्रेगनेंसी कहते हैं। जो मरीज़ जिनका बहुत अरसे से जिनके पास औलाद की नेमत ना हो, वो पहले OPD में आ सकते हैं। वहाँ हम उनके कुछ टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हस्बैंड का सीमन नॉर्मल है या नहीं है। इसके अलावा उनके कुछ देखेंगे कि उनके जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, वो खुली हुई हैं कि बंद हैं। उसके बाद जब हमें पता चले कि नहीं, इस तरह के बे औलाद जोड़ों को IVF की ज़रूरत है, तो उसके बाद फिर हम उनको वो एडवाइस करते हैं और उसके बाद उनको एक स्पेशल हमारा जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, रेफर करते हैं। उसके बाद वो एक प्रोसेस होता है जिस 10-15 दिनों का उसके थ्रू वो गुजरते हैं, उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। हमारे सेंटर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का जो सक्सेस रेट है वो 30-40% है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जितने भी IVF सेंटर हैं उनके साथ कंपीट करता है।